की चर्चा के लिए पूर्व विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह बनाव पहुंचे संजय गांधी चिकित्सालय। लगातार जनप्रतिनिधि चिकित्सकों से कोरोना को लेकर जनहित में जानकारी मांग रहे हैं। इसी कड़ी में मऊगंज से पूर्व विधायक कांग्रेस सुखेंद्र सिंह बना रीवा मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर के पास पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना महामारी के लेकर विस्तृत चर्चा की। मरीजों को मिलने वाली सुविधा एवं उपचार के बारे में विचार साझा किए। पहले तो ये होता था कि किसी को लगता कोई बड़ा आदमी है जैसे, तो वो फटाफट चिराग में ले जाएगा, इधर ले जाओ। हम सब जगह फूल है, हम निकलते नहीं हैं। यहाँ जितने भी बड़े भी अपने जो यहाँ के हैं कैपेबल व्यक्ति, वो सब यही है। तो और हम पे प्रेशर आ गया। पहले ये था, उसमें लगा कि अरे यहाँ ये नहीं हो रहा है, तू निकल जाता था, वो नहीं निकलता, वहाँ बेड ही निकल। नहीं सर, आज तो बनारस से इलाहाबाद से पेशेंट आए अपने। हाँ, बनारस से बेड नहीं है। मुलाकात करने तो किस मुद्दे पर गए? आज मैं संजय गांधी अस्पताल डीन से मिलने इसलिए गया था। वैसे तो मैं सदैव अस्पताल जाता हूँ पेशेंटों से मिलने, अस्पताल में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जो 4-6 दिनों से फ़ोन के माध्यम से और वहाँ की जो तड़पड़ाहट मरीजों की फ़ोन से आई या उनके परिजनों की आई कि कोरोना में जो पेशेंट एडमिट हैं उनको समुचित इलाज नहीं मिल रहा, ये वो, इन सब बातों को लेकर के मुझे ऐसा लगा कि मुझे डीन से बात करनी चाहिए। मैं डीन से गया, उनसे बात किया कि भाई ये स्थितियाँ कि मतलब कोरोना में किसी को गैस ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो दवा नहीं मिल पा रही है, नहीं लग पा रही है, और उधर उनका एक्सरे नहीं हो पा रहा है, और कोई समुचित वहाँ पर जा कर के वो नहीं हो रहा है। इन सब मुद्दों पर हमारी उनसे विधिवत चर्चा हुई और उनको मैंने सुझाव भी दिए कि आप जितने पेशेंट हैं आप खुद मॉनिटरिंग करें जा कर के सुबह और शाम, और जिनका एक्सरे ना हुआ बिना एक्सरे का किसी पेशेंट को एडमिट करें, एक्सरे उनको करवाएं, और उनको उपलब्ध और भी जो सुविधाएं, खास करके मरीजों को उत्साहवर्धन कि कोरोना एक भयावह बीमारी न बता करके एक जिस तरीके से आम पेशेंट एडमिट होता है उस तरीके से आप उनसे ट्रीट करें। और मेरा आपके माध्यम से मरीजों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले वर्ष भी कोरोना आया था, इस वर्ष भी है, लेकिन जिस तरीके से हतोत्साहित लोग हो रहे हैं बड़ी इसकी स्थिति खराब है। तो हमारा आप सबसे के माध्यम से अपील है कि लोग हड़बड़ाएं नहीं, और स्वयं मरीज अगर अपना स्वयं एक्सरे करा करके अस्पताल पहुंचेंगे तो और ज़्यादा ठीक रहेगा। और बाकी इन सब मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई और इंदुलकर ने सुझाव को स्वीकार भी किया है। तत्काल उन्होंने आर्डर भी दिया कि हम उत्साहवर्धन के लिए और मरीजों के एक्सरे के लिए मैंने किया। एक महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने उनको मैं भी दिया कि जो अस्पताल की दवाएं हैं वो कारगर नहीं है, तो आप जो बाहर मेडिकल स्टोर में है वो दवा ज़रूर करने में कंजूसी ना करें। अगर वो दवाई बाहर से मंगा करके जो मरीज कर रहे हैं उनको लाभ मिल रहा है, इसलिए मैंने उनको ये बात का विशेष सुझाव दिया है। आज आपदा प्रबंधन की बैठक हुई है, वहाँ पे जनता कर्फ्यू का निर्णय लिया गया, उसको आपकी सूचना दें। देखिए क्या है कि ये जनता कर्फ्यू तो एक वर्ष से हम लोग देख रहे हैं, ये तो सिर्फ मतलब ये कह सकते हैं कि सिर्फ इससे नुकसान के अलावा फ़ायदा मुझे कहीं से नहीं दिखा, चाहे छोटे छोटे उद्योग हो, चाहे ये आपके व्यापारी वर्ग हो, और धंधे पूरी तरह से चौपट हो गए। अब मैं ये तो नहीं कह सकता किसके इशारे से ये लॉकडाउन होता है, पर लगता है इसके पीछे कोई न कोई बहुत बड़ी साजिश है, और कहीं न कहीं शासन को प्रशासन को इसमें बड़ा लाभ है, इसलिए लॉकडाउन पर ज़्यादा जोर देते हैं। अस्पताल के प्रबंधन पर इनका ध्यान नहीं रहता, इनका ध्यान लॉकडाउन पर ज़्यादा हो जाता है, और इससे लाभ क्या मिलता है? सिर्फ व्यापारियों का व्यवसाय और प्लस जो भी कुछ है, और आने जाने वाले जो ज़रूरतमंद के लोग हैं, आना जाना जिनका है, उनसे पुलिस की वसूली, सिर्फ लॉकडाउन से यही फायदा होना है और बाकी कुछ भी नहीं, इसलिए इनका लॉकडाउन पर ज़्यादा जोर होता है। लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, कल 211 मिले हैं। बिल्कुल केस बढ़ेंगे जब इसका कोई समुचित लाभ, मैं इसीलिए तो आज डीन ऑफिस में गया कि वहाँ की स्थितियाँ क्या है, क्या कारण है कि इस तरीके की बातें, लेकिन वहाँ पर कोई इलाज तरीके का हो ही नहीं रहा है। जाँच
किस तरीके की, ना कोई गैस की व्यवस्था, ना कोई वो, इसी मुद्दे पर तो लेकर के आज हम गए थे वहाँ पर। शासन प्रशासन पूरा रोड में उतरा, कलेक्टर सर खुद राउंड कर रहे हैं, एसपी सर राउंड कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, लेकिन अमूमन देखा जाता है कोई मास्क नहीं लगाता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, 90% लोग आज भी मास्क लगाते हैं, 90% मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे डर से ही लगाए, पुलिस के ही डर से लगाए, लेकिन मास्क सब लगाते हैं। मैंने पहले ही कहा मास्क कोई निदान नहीं है, मास्क से ऐसा तो नरेंद्र मोदी जी ने ताली बजवाया, थाली बजवाया, पहला कर्फ्यू लगा, फिर क्यों नहीं ऐसा हुआ, घंटी बजी, सब कुछ हुआ, तो आप वहाँ से बात करो, कोरोना आया कैसे। कोरोना तो आया जब ट्रंप नमस्ते हुआ, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई जा रही थी, तब यही शिवराज सिंह चौहान कोरोना नहीं डरोना बोलते थे। हमारे देश, हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था कोरोना एक भयावह बीमारी, सरकार को चेतना चाहिए, लेकिन उस समय तो नरेंद्र मोदी जी हों और चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इनको कोरोना नहीं डरोना दिखता था, ये तो अपना लाभ देखते थे। आज कहते हैं मास्क बांधो, आज कहते हैं ताला लगा करके घर के अंदर रहो, जुर्माना ठोको, जुर्माना से सरकार ये चल रही है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रीवा से नितेश सिंह गहरवार की रिपोर्ट।